ठीक है, तो कल हमने एग्जाम्पल नंबर थर्ड तक कर लिया था, ठीक है? ये एग्जाम्पल नंबर थ्री कल पढ़ लिया था, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर से। चैप्टर 8 क्वाड्रिलैटरल मैथमेटिक्स का और एग्जाम्पल नंबर फोर करेंगे आज। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर फोर रीड करो खुशी। 2 parallel lines L and M are intersect by transversal P, so that quadrilateral formed by bisector of interior angles is a rectangle. हाँ, ये बहुत आता है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल ये वाला ना बहुत पूछा जाता है। इसने क्या बोला है, 2 पैरेलल लाइन एल और एम, ये देखो ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, 2 पैरेलल लाइन है, एक है लाइन एल दूसरी है लाइन एम, ठीक है? उसको एक ट्रांसवर्सल है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, पी, ये पी ट्रांसवर्सल है, ठीक है? ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, एक तो इस ए पॉइंट पे और एक सी पॉइंट पे, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको काट रही है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बायसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। इंटीरियर एंगल कौन से बताए थे मैंने? इंटीरियर एंगल जो है अंदर वाले, मतलब ये जो एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये चार इंटीरियर एंगल होते हैं और ये चार होते हैं बाहर वाले, ये जो है ना ये एक्सटीरियर है, ये बाहर वाले हैं ये चारों। तो इन्होंने बोला है कि जो इंटीरियर एंगल है ना उसका बायसेक्टर, बायसेक्टर वो होता है जो एंगल को बराबर भागों में बांट दे, ठीक है ना? तो ये जो एंगल है ना इसका बायसेक्टर यही होगा जो इसको आधे 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 मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दे। बायसेक्टर हमेशा बराबर भागों में बांटता है, ठीक है? चाहे वो लाइन का बायसेक्टर हो चाहे वो एंगल का। तो यहाँ पे बायसेक्टर एंगल के लिए बोला है, तो इस एंगल को दो बराबर भागों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इस एंगल का ये बायसेक्टर हुआ, ठीक है? इस वाले एंगल का, ये पूरा एंगल है ना, इसका बायसेक्टर ये हो गया, इस वाले एंगल का बायसेक्टर ये हो जाएगा और इस वाले एंगल का बायसेक्टर ये। तो इसने बोला है जो ये चार बायसेक्टर है ना, ये चार, ये जो बन रहा है ना, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये प्रूफ करो, ये प्रूफ करो कि ये जो बन रहा है, ये शो करना है हमें कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी बहुत बार आता है, तो पहले तो बहुत आता था, तो अब चलो आगे देखते हैं इसमें। इट इज गिवन दैट पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, क्या कह रहे हो? कुछ देखो पी एस, नहीं, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, पी एस और क्यू आर क्या है, पैरेलल है दोनों के दोनों, ये दोनों जो लाइन है मतलब एल और एम को इन्होंने पी एस क्यू आर दे दिया, तो ये दोनों पैरेलल है। पी एक ट्रांसवर्सल है जो इसको ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, और एक सी पॉइंट पे काट रही है, ठीक है? द बायसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी, पी ए सी का बायसेक्टर ये है अपना ए बी, ठीक है? और ए सी क्यू, बस यही बता रखा है, ये बी पे मीट कर रहे हैं और ये दोनों डी पे मीट कर रहे हैं, ये बता रखा है, तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, यहां से चालू है, अब यहां तक ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बता रखा है। वी आर टू शो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हमें शो करना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ये शो करना है। तो रेक्टेंगल शो करने के लिए कोई भी एक एंगल है ना 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, और ये दोनों साइड इक्वल और पैरेलल प्रूफ करनी पड़ेंगी, ओपोजिट साइड्स। तो देखो एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी आर, पी ए सी मतलब जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल पी ए सी, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा पी ए सी, ये जो पूरा एंगल है ये इज इक्वल टू ए सी आर, ए सी आर के बराबर होगा ए सी आर, क्यों होगा? क्योंकि जेड बन रहा है, ये देखो खुशी, ये दोनों पैरेलल है ना, ये एल और एम पैरेलल है ना, तो ये जेड बना रहे हैं ना, जेड, तो जेड बन रहा है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल तो इक्वल होते हैं हमेशा, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ब्रैकेट में लिखना है क्यू इक्वल लिखा आपने इन दोनों को,
हमेशा रीजन लिखना है, तो रीजन लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल, एज एल इज पैरेलल टू एम, एल और एम दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ये लिख दिया यहाँ पे। अब हाफ ऑफ पीएसी और हाफ ऑफ एसी, इन दोनों के आगे हाफ हाफ लगा दिया। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो इनके हाफ मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो ये यहां से ये प्रूफ कर दिया कि बी ए सी, इसका आधा तो बी ए सी हो गया, और ए सी डी ये दोनों भी बराबर होंगे। जब ये पूरे के पूरे बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इनका जो आधा पार्ट है, हाफ है, ये भी इक्वल होगा आपस में। तो यहां तक अब ये दोनों इक्वल होंगे ना खुशी। अब देखो अगर इनका हाफ पार्ट अगर इक्वल है, अगर इनका मतलब ये वाला हाफ और ये वाला हाफ अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये भी जेड बन रहा है, इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगी लाइन, तो बी ए और सी डी पैरेलल है, ये तो प्रूफ हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो बी ए या फिर ए बी इज पैरेलल टू सी डी या डी सी, ये तो हो गया प्रूफ। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या प्रूफ कर देंगे, बी सी और ए डी कैसे करेंगे देखो। बी सी और ए डी इसको भी ऐसे ही प्रूफ कर देंगे। इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखो, देखो इसके अंदर भी दो एंगल बनेंगे, ए सी बी और सी ए डी, ए सी बी, ए सी बी मतलब ये वाला, और सी ए डी, सी ए डी मतलब ये वाला। देखो इसके अंदर ये जेड बन रहा है ना, इस आके हटा दीजिए। यहाँ पे भी ये जेड बन रहा है अपना, ये बन रहा है जेड। यहाँ पे ये जेड बन रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ये जो दोनों लाइन होंगी ये आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी ये दोनों भी आपस में, क्योंकि वही है, ये भी क्या है, हाफ है। किसका हाफ है, क्योंकि ये एक तरह से ये जेड बन रहा था ना देखो खुशी, यहाँ पे ये बड़े वाला जेड बन रहा है, मतलब ये बड़े वाला जेड कह रहा है कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स तो इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल है, तो इनका आधा भी इक्वल होगा। तो इस वाले का आधा क्या होगा, ये, और इस वाले का आधा क्या होगा, ये, तो ये दोनों भी आपस में, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो ये जेड बन रहा है ना, इसका मतलब ये जो लाइन है बी सी और ए डी पैरेलल। तो एक तो चीज हमने प्रूफ कर दी यहाँ पे, हमने प्रूफ कर दिया जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें प्रूफ करना था कि ये ओपोजिट आपस में क्या है, पैरेलल है, ये तो हमने प्रूफ कर दिए। तो ये दोनों पैरेलल प्रूफ कर दिए, ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। अब और देखो, अब हमने इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया ना, कि ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल, ये जो छोटे वाला ना, ये इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली के पैरेलल हमने प्रूफ कर दी, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दिया ना, और इन दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दिया हमने। तो ये पूरा एक पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो अब नेक्स्ट क्या किया है, नेक्स्ट इसमें लीनियर पेयर बनेगा, किस किस का, पी ए सी और सी ए एस का, पी ए सी और सी ए एस, पी ए सी, पी ए सी ये पूरा हो जाएगा, सी ए एस, सी ए एस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब 180 डिग्री बनाएंगे दोनों के दो। तो बस अब यही करना है, पी ए सी का आधा कर दो, इन दोनों का अगर 180 बनता है ना, इन दोनों का सम 180 होगा, तो पी ए सी का आधा करो, आधा कितना हो जाएगा इसका, ये वाला एंगल, और सी ए एस का भी आधा कर दो, तो इसका हो जाएगा ये एंगल, मतलब दोनों तरफ हाफ से वो कर देंगे, ये देखो नीचे लिख रखा है, हाफ से कर देंगे तो ये 90 डिग्री का आ जाएगा।
इतना लिख दिया लीनियर पैर, अब इसमें हाफ से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ भी, लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी हाफ जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो हाफ ऑफ पीएसी क्या होगा? बीएसी। हाफ ऑफ सीएसी ये लिख देना, हाफ ऑफ 180 90। तो मतलब बीएडी हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है, तो बस हो गया हमारा रेक्टेंगल प्रूफ। कोई भी एक एंगल बी ए डी, मतलब ये वाला एंगल हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है। तो देखो, तो ये हमारा एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विच वन एंगल इज 90, तो एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, प्रूफ हो गया। सिंपल सी बात है, देखो मैं डायग्राम में वापस से फटाफट समझा देती हूँ। डायग्राम के अंदर बहुत इजी है, देखो इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि ये हमें प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करो कि ये पूरा एक रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना था हमें। तो बहुत इजी है, तो क्या करा हम लोगों ने, सबसे पहले ये जेड लिया, बड़े वाला जेड, ये वाला जेड लिया। इस जेड में ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इन दोनों के आधे भी इक्वल होंगे। इन दोनों के आधे क्या हो जाएगा, इसका आधा तो ये होगा और इसका आधा ये, तो इनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों हाफ इक्वल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है ना जेड, ये देखो, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। सेम इन दोनों लाइन को भी पैरेलल प्रूफ कर देंगे। यहां तक तो हो गया, पैरेलल प्रूफ कर दिया सबसे पहले। अब उसके बाद आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में 90 डिग्री प्रूफ करना है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, तो वो भी हो जाएगा। ये पूरी लाइन ले लो, ये पूरी लाइन 180 डिग्री की होगी, पूरी की पूरी, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये 180 डिग्री का होगा पूरा। तो इसका हाफ होगा ये और इस वाले एंगल का हाफ होगा ये, मतलब हाफ से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी। तो हाफ इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ हाफ 80 का हाफ होगा, तो वो भी 90 हो गया ना। तो ये बी ए डी हमारा 90 डिग्री प्रूफ हो गया, बस एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। तो इसका मतलब हमारा, मतलब ये पैरेललोग्राम और एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। अब ये एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ो, पढ़ो खुशी इसको। So that the bisector of angle of ये एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, हमारे टाइम में तो ये सब बहुत आते थे क्वेश्चंस, तो थोड़ा देख लेना। शो दैट द बायसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये एक पैरेललोग्राम हमें दे रखा है कि ये एक पैरेललोग्राम। अब इसके जो बायसेक्टर है ना, बायसेक्टर मतलब इस एंगल को हाफ में डिवाइड कर देगा, ये बायसेक्टर, ये वाला बायसेक्टर, ये तीसरा बायसेक्टर और ये फोर्थ बायसेक्टर। तो ये जो चारों बायसेक्टर हैं ये क्या बना रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। मतलब अब ये प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, ये इसको एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। दोनों ही एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, दोनों ही, फोर्थ भी इम्पोर्टेंट था और ये फिफ्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या करा है, इसमें ये तो ऐसे ही लिखा है, यहां से एक्चुअल स्टार्ट है, फिर भी पढ़ देती हूँ। पी क्यू आर एस विद अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बायसेक्टर ए दिस 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 दिस। इन्होंने बोला है कि ये जो बायसेक्टर है ना, ये दोनों एस पे मिल रहे हैं, ये वाले दोनों क्यू पे मिल रहे हैं, तो ये बस इनके बायसेक्टर के पॉइंट्स दिखा रखे। यहाँ से पढ़ना है, इन ट्रायंगल ए एस डी, इसमें सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया एक, तो ये वाला, इस ट्रायंगल के अंदर इसने क्या बोला है, डीएस बाइसेक्ट एंगल ए। इसने बोला है कि ये जो डीएस है ना, ये एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, और जो एएस है ना, ये जो एएस है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर डीएएस और एडीएस, डीएएस मतलब ये वाला जो एंगल हुआ है, एडीएस मतलब ये वाला जो एंगल, ये जो दो एंगल्स हैं, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनको किसके बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ ना, हाफ ऑफ एंगल डी, ये एंगल डी का आधा ही तो है ये वाला,
और इस वाले को मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए का आधा है, तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखो इन्होंने हाफ कॉमन ले लिया और ए और डी को यहाँ अंदर ऐसे लिख दिया, ठीक है। ए और डी 180 डिग्री होंगे, क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये देखो खुशी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है। एंगल ए मतलब ये पूरा, और एंगल डी मतलब ये पूरा, दोनों को इंटीरियर एंगल है तो दोनों 180 डिग्री के होंगे, तो यहाँ लिख दिया 180 इन दोनों की जगह, तो 90, मतलब इन दोनों का सम आ गया 90। ये देखो इन दोनों एंगल्स का सम आ गया 90। अब ये एक्सटीरियर एंगल है खुशी, यहाँ पे ये है एक्सटीरियर एंगल, ये वाला, ये इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो इन दोनों का सम 90 हमने प्रूफ कर दिया। तो ये एंगल जो एस डी एस क्यू है ना, डी एस क्यू, ये भी 90 डिग्री प्रूफ होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, लीनियर पेयर्स, बस बहुत इजी। तो पी एस आर को 90 प्रूफ करना है, ये हो गया यहाँ पे देखो, तीनों एंगल का सम 90 होगा, तो डीएस से भी 90 होगा। हाँ चाहे ऐसे कर लो, इसमें ये वाला एंगल लिया इसने, ये वाला लिया और ये इसने, इस तरह से किया, तो तीनों एंगल का सम 90 होगा, तो ये दोनों का 90 है, तो ये अब ये वाला एंगल पूरा का पूरा 90 हुआ, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कैसे भी कर लो, इसने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी करके किया है। तो बस यहाँ पे भाई ये सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट ये 90 ये 90, सिमिलरली ये भी 90, सारे 90 शो कर दिए, तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? कैन यू कॉल दैट इट इज अ रेक्टेंगल? वी हैव शोन दैट दिस इज 90, सो बोथ पेयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज अ पैरेलल इन व्हिच वन एंगल इज 90 एंड पीक्यूआर इज रेक्टेंगल। ये प्रूफ हो गया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है ये रेक्टेंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री प्रूफ कर दिया ना, बस ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। तो आगे चलते हैं अपन, सारे एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ कर देना है बस इसके अंदर सारे एंगल्स, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ओपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए ना, तो एक तरह से पैरेललोग्राम भी कहलाएगा, और फिर एक एंगल 90 डिग्री तो रेक्टेंगल हो गया। तो आगे चलते हैं, अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब हो सकता है? एक और कंडीशन है इसकी, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं और आपस में पैरेलल भी हैं, तो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हो पैरेलल भी हो, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। ये तो पहले भी पढ़ लिया था, ये सिक्स तो शायद लास्ट एग्जाम्पल है। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन वैसे ज्यादा टफ नहीं है, एग्जाम्पल ये थोड़े ऐसे दे रखे हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर सिक्स, इसको रीड करो। ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoint of opposite side AB and CD. If AQ intersect DP at S and BQ intersect CP at R, so that APCQ is a parallelogram, DP हाँ BQ is a parallelogram, PSQR is a parallelogram. In quadrilaterals, AP, अच्छा बस बस यहाँ तक ही इस है। हाँ तक ये क्वेश्चन, ये देखो इसने क्या बोला है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है ये दोनों बराबर हैं और इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर जो P और Q है ये दोनों मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब बीच के, ये देखो ए बी लाइन है इसका बीच का पॉइंट है, सी डी एक लाइन है इसका बीच का पॉइंट है क्यू।
आर मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड ए बी एंड सी डी. ये ऑपोजिट साइड है ए बी और सी डी, ऑपोजिट साइड है और इसका मिड पॉइंट है पी और इसका मिड पॉइंट है क्यू. ठीक है, देखो इफ ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी, ए क्यू डीपी को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, एस पे, एंड बी क्यू इंटरसेक्ट सी पी, बी क्यू ये जो बी क्यू है ये सी पी को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, आर पे, तो हमें क्या शो करना है. ये तो इसने बस दे दिया, अब अपन को ये शो करना है एपी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है, ए पी सी क्यू, ये पूरा हमें प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है. ये वाला देखो खुशी, इसके अंदर बताओ ये क्या करेंगे, इसके अंदर ये इसमें ये करेंगे कि ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के इक्वल भी है पैरेलल भी है, क्योंकि दे रखा है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, तो ए बी और सी डी इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो हाफ ऑफ ए बी का आधा क्या हो जाएगा ए पी, और इसका सी डी का आधा क्या हो जाएगा सी क्यू, तो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी वो भी आपस में इक्वल और पैरेलल होंगी, तो ये दोनों ये ऑपोजिट लाइंस को इन्होंने ऑपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल इस तरह से करेंगे. देखो नीचे देखो यहाँ दिखा देते हो ए पी सी क्यू क्वाड्रिलेटरल में जो मैंने जो टिक करा है उसके अंदर ए पी इज पैरेलल टू क्यू सी, ए पी इज पैरेलल टू क्यों सी, ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में ये दोनों, क्योंकि ये पूरी इस पूरे के पैरेलल है, तो इसकी आधी भी पैरेलल होगी. ठीक है, क्योंकि लिखा है ए पी क्या है हाफ ऑफ ए बी है, क्यू सी क्या है हाफ ऑफ सी डी है, तो ए बी और सी डी दोनों बराबर है तो ए पी और क्यू सी भी बराबर होंगे और एक पैरेलल भी होंगे, तो बस यहाँ से हो गया प्रूफ कि ये पैरेललोग्राम है. एपी और क्यू सी दोनों इक्वल भी हैं और दोनों पैरेलल भी हैं, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों बराबर है, तो ए बी का आधा ए पी और सी डी का हाफ क्यू सी, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे. जब ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं आपस में तो इनका हाफ भी पैरेलल होगा, बस ये प्रूफ हो गया, तो खत्म, छोटा सा था बस इतना ही. अब इसने क्या बोला है डी पी बी क्यू, इसको भी सेम ऐसे ही कर देंगे, डी पी बी क्यू कहाँ पे है ये रहा डी P, P, इसने बोला कि ये जो पैरेललोग्राम है ना ये वाला पैरेललोग्राम, अब ये वाला जो पैरेललोग्राम है इसको भी प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ये भी ऐसे ही कर देंगे कि अगर ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं दोनों इक्वल भी है तो इनके हाफ पार्ट, इनका हाफ पार्ट ये हो जाएगा ना और इसका हाफ पार्ट ये हो जाएगा, ये भी दोनों आपस में इक्वल और पैरेलल होंगे, तो बस ये इक्वल पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो ये हो गया पैरेललोग्राम. अब लास्ट ये प्रूफ करना, अब इन सबको मिटा दो, अब क्या प्रूफ करना है अपन को, ये लास्ट पी एस क्यू आर, ये बात पी एस क्यू आर हमें प्रूफ करना है कि ये भी एक पैरेललोग्राम है. ठीक तो देखो इसमें क्या किया है, एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर, एस पी इज अ पार्ट ऑफ डी पी एंड दिस इज, और एस क्यू इज पैरेलल टू, ये तो बहुत सिंपल है. इसने क्या कर दिया देखो, एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये वाला जो होगा ना खुशी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है ना कि मतलब ये पूरी इस पूरी के पैरेलल है, तो इसका पार्ट इसका जो हिस्सा होगा ये और इस पूरी लाइन का हिस्सा ये भी दोनों आपस में पैरेलल होंगे, तो बस ये दोनों पैरेलल प्रूफ कर दिए यहाँ पे, और ये वाला भी हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, इस वाले का पार्ट है ये और इस मतलब इस लाइन का पार्ट है ये, तो ये भी अगर ये पूरा पैरेललोग्राम है, ये दोनों बड़ी बड़ी लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये छोटी छोटी भी आपस में पैरेलल होंगी बस, तो ये हो गया पैरेललोग्राम प्रूफ. बहुत सिंपल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ एग्जाम्पल. चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन इतने ज्यादा वैसे टफ नहीं है, इजी है, क्वेश्चन पढ़ो. चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, एक्सरसाइज 8.1 का.
पढ़ो क्वेश्चन नंबर वन। द एंगल ऑफ कॉर्नेटर आर इन द रेशियो 3:5, 5:9, 9:13. फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द कॉर्नेटर. देखो एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर, कैसा भी बना लो, एक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3x, एक एंगल इसके अंदर है 3x, दूसरा एंगल इसके अंदर है 5x, फोर्थ एंगल इसके अंदर है 9x। एक मिनट, फोर्थ वाला एंगल है 9x और फिफ्थ वाला एंगल है 13x, सॉरी फोर्थ, थर्ड वाला 9x और फोर्थ वाला 13, चार एंगल है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो चारों एंगल का मेजर बताना है कि कितने कितने डिग्री के एंगल्स होंगे। कर दोगे तुम, खाली स्क्रीन निकालो या मेरे को करना पड़ेगा? आप चलो मैं कर देती हूँ, खाली स्क्रीन निकाल लेते हैं अपन। ये हमारी खाली स्क्रीन आ गई। ये देखो खुशी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसने क्या बोला है हमें, इसने हमें बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी बना लो, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की फोर साइड्स होती है, बस चार साइड का बनाना है हमें। रफ डायग्राम बना रहे हैं वैसे तो हम कैसा भी बना सकते हैं, नॉर्मल। चलो मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। इसमें इसने बोला है एक तो 3x है, एक बोला है इसने 5 है। इस रेशियो में जब भी ऐसे रेशियो में आ जाए ना तो इनको x मान लिया करो, और ये 9x है और ये 13x है। ऐसे रेशियो में देना 3:5:9:13, तो एक्स एक्स करके इनको ऐसे मान लो कि सपोज ये 3x है, ये 5x है, 9x है, 13x है, इस तरह से हम इनको मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर इन चारों का सम कितना होगा, चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री, या हम इनको ऐसे लिख देंगे। इन चारों एंगल्स का सम होगा यहाँ पे 360। ठीक है, चारों एंगल 360। यहाँ ब्रैकेट में रीजन भी लिखना होता है कि आपने इन चारों को 360 के बराबर क्यों लिखा, क्यों हम यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। यहाँ पे आपको लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, पूरा लिख लेना, मैंने बोल दिया है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। अब इन चारों को प्लस कर लेंगे, कितना आएगा प्लस करके, 13 + 3 16, 16 + 5 21, 21 + 9 30, तो 30x आ गया, 30x बराबर 360 डिग्री। बस ये हो जाएगा अब अपना x इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन 30, 12। हाँ बहुत अच्छे, x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12, बहुत अच्छे। अब x की वैल्यू कुछ नहीं करना है खुशी, इसमें 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 सब में x की वैल्यू डाल दो। 3x में x की वैल्यू डालेंगे तो 3 × 12 कितना आएगा बताओ, 36 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे 5 × 12, 12 × 5 = 60। यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे, एक मिनट रुक जाओ शेख, हेलो एक मिनट रुकना खुशी, मैं एक मिनट में आई, ये कर लो तुम। हाँ तो कितना हो जाएगा, 12 9 जा कितना होता है, 108, तो 9 × 12 = 108, 108, ठीक है। और ये बच गया 13, 13 × 12, 13 × 12 कर लो, 12 12 का तो 144 होता है, 144 के अंदर 1 12 और ऐड कर लो,
तो हो जाएगा 156, तो इसका आंसर आ जाएगा 156। इन दोनों को इंटू कर लो सिंपली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 3 2 6 आया, 2 1 2 आया, इंटू 1 3 3 आया, 1 1 1, यही आ गया ना 156। ये 156 आ हाँ ठीक है, तो ये बस आंसर है, ये हो गया। अगर तुम नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो तुम्हारी नोटबुक में, फिर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर रहे हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ठीक लिया मैंने। है चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं मिटा रही हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। इट्स द डायगोनल्स ऑफ पैरेलोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट्स अ ट्रायंगल। अगर डायगनल इक्वल है एक पैरेललोग्राम की, हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, अगर इसकी डायगनल्स इक्वल है, ए बी सी डी, इसकी डायगनल डायगनल होती है ये वाली, अगर ये बराबर है, ये इक्वल दे रखी है, डायगनल इक्वल हमें क्या दे रखा है, ए सी बराबर बी डी, ए सी और बी डी हमें इक्वल दे रखा है, ए सी और बी डी। तो देखो, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ना, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ये पूरा का पूरा। तो रेक्टेंगल के लिए कुछ बस एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है अपने, क्योंकि पैरेललोग्राम तो इसने लिख ही रखा है ऑलरेडी, इफ द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलो इसको भी खाली पेज पे कर लेते हैं, ब्लैंक पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ वापस से डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये पहले से क्वेश्चन ने कह दिया है कि ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, एक ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी। अब इसने बोला है इसकी जो डायगनल्स हैं, डायगनल मतलब ये, एक तो ये डायगनल होती है और एक ये डायगनल होती है, इसने बोला है इसकी जो डायगनल्स है वो इक्वल है, मतलब इसने बोला है कि ए सी बराबर बी डी, इसने ये हमें दे रखा है। तो हमें प्रूफ करना है कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो, चाहे ये वाला कर दो चाहे ये वाला, कोई सा भी कर दो। तो हम इसमें दो ट्राई एंगल लेंगे, एक तो लेंगे ट्राई एंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्राई एंगल बी ए डी, बी ए मतलब कौन से, मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ इन ट्राई एंगल्स को, एक तो ट्राई एंगल ए बी सी, ए